ऑफलाइन का जो इस बार जीडी का बैच है वो सिर्फ एक ही बैच स्टार्ट होगा, 19 जून से आपका ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने कल देखा कि एयरफोर्स अग्निवीर का रिजल्ट कल आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास किया है इस एग्ज़ाम को। प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम को पास किया है उनको बहुत बहुत सारी बधाई, उनके परिवार वालों को बहुत बहुत सारी बधाई और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप अपना फेज 2 और फिजिकल और मेडिकल कम्प्लीटली पास करें और जल्द से जल्द आप बेलगवी पहुँचें। लेकिन यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो मैं आपको हमेशा से कहते हुए आया हूँ कि बच्चों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है अब उनको ये सोचना है कि कहाँ वो मिस्टेक्स रही। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो जिनके मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया, सर मैंने तो मेहनत की थी, सर मैंने भी तो आपसे उसी बैच में पढ़ा था, सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। देखिए, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं तो कई बार टीचर को पता होता है कि आपने ये चीज़ें नहीं की, बट जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो नहीं पता चलता कि आपकी मिस्टेक कहाँ रही है, तो ये आप ही को पता होता है कि आपने गलती कहाँ की। तो मैं यही सलाह दूंगा आपको कि निराश होने के लिए वक्त नहीं है, करने के लिए बहुत सारा वक्त है। तो क्योंकि अगला एग्जाम जो है आप लोगों का बहुत जल्दी ही होगा और उसके लिए अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। अगर आप फिर से आपका अटेम्प्ट अभी बाकी है और आप फिर से तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर दिया गया है। द्रोणा बैच 15 जून से स्पेशली उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि कई बच्चों को मैं देखता हूँ वो पहले एक महीना तो उतना डेडिकेशन नहीं रखते हैं लेकिन जैसे ही 2 महीने बचेंगे और एग्जाम पास आएगा तो वो एकदम से एनर्जी में आ जाते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम पास करना केवल कुछ टाइम का खेल नहीं है, आपको क्या चाहिए उसमें रेगुलरिटी चाहिए। आप भले ही 5 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए और एक भी क्लास मत मिस करिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, 1 महीना नहीं पढ़ूंगा, बाद में 10 घंटे पढ़ के हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। फिर उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो रेगुलर पढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट में आप भी एफर्ट्स लगाएंगे और जो पहले से लगाते हुए आ रहा है वो भी एफर्ट लगाएगा। तो सही बात तो यही है कि आपको स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। तो मेरी आपको यही सलाह है कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। कोई बात नहीं है, अभी खुशियां हमारे पास नहीं आई हैं तो थोड़ा दिन का और इंतजार हो जाएगा, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप बैच को ज्वाइन करिए और उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फेज 1 हमारा पास हो चुका है, अब हमें तैयारी करनी है फेज 2 की। प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूँगा कि कोशिश ये करिएगा कि फेज 2 की तैयारी आप ऑफलाइन क्लासेस में कीजिए। अगर पॉसिबली होता है तो आप देहरादून आ जाइए, अगर नहीं होता है तो आप कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह यह है कि आप कोशिश करिएगा ऑफलाइन क्लास में करिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हम घर बैठ के टॉपिक्स तो लर्न कर लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बट जब बात डिलीवरी की आती है तो क्या हम उसे डिलीवर कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ आपको माइंड में रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है जिनके टॉपिक्स तो लर्न होते हैं लेकिन वो टैक्टिक्स नहीं जानते हैं कि किस तरीके से ग्रुप को हैंडल करना है वहाँ पर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम ग्रुप में आते हैं और टीचर हमारे सामने होता है और वो हमें जज करके बताता है कि हम सही हैं या गलत हैं। क्योंकि देखिए, आपने रिटर्न की तैयारी की और रिटर्न एग्जाम निकाला, मेहनत की, और अगर गलती से फेज 2 में फेल हो गए तो ये आपका बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। तो मेरी आपको यही सलाह है कि पॉसिबल अगर है तो 98% कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस में तैयारी करें, लेकिन अगर नहीं है तो देखिए उसका दूसरा रास्ता भी है और मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन क्लास करें। ऑनलाइन क्लास में जितना पॉसिबल होगा, देखिए उसमें आप टॉपिक्स को लर्न कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन तो नहीं कर सकते लेकिन टॉपिक्स को लर्न कर सकते हैं, प्लस आपके लिए जो SRTs होती हैं वो आप कवर कर सकते हैं और टीचर जो अपने एक्सपर्टीज से आपको चीज़ें बताएगा वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक ऑनलाइन बैच भी आप लोगों के लिए, जो हमारा लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड बैच था, वो आप लोगों को दिया जाएगा, प्लस उसमें कुछ नई वीडियोस भी इस बार एड ऑन की जाएंगी, कुछ नए टॉपिक्स भी एड ऑन किए जाएंगे। तो आपको निराश नहीं होना है कि सर मैं अगर ऑफलाइन नहीं आ सकता या मैं नहीं कर सकता तो क्या मैं ऑनलाइन भी नहीं कर सकता। तो देखिए, ऑनलाइन भी पॉसिबल है, ऑनलाइन में भी आप कर सकते हैं। अब सोचना आपको है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ऑफलाइन का जो इस बार जीडी का बैच है वो सिर्फ एक ही बैच स्टार्ट होगा, 19 जून से आपका ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है।
बहुत सारे बच्चे जिनका मैसेजेस थे कि सर कब से बैच स्टार्ट होगा, तो उनके लिए बता दूं 19th ऑफ जून से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है और ये सिर्फ एक ही बैच होगा, इसके बाद कोई दूसरा बैच इस बार स्टार्ट नहीं होगा। और हाँ, जो बच्चे कुछ और इंक्वायरी करना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या जिनका ये है कि वो 2 दिन या 3 दिन बाद पहुंचना चाहते हैं, तो उनको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना बेनिफिट होगा। रीज़न, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 से 3 से 4 क्लास जैसे ही निकलती हैं तो वो फिर पूरा बैच को बार बार एक बार रिवाइज़ करना पड़ता है। पहले तो मौका होता था कि इसके बाद बैचेज स्टार्ट होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि एक ही बैच रहेगा तो आप कोशिश करिएगा जितना जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं उतना जल्द से जल्द पहुंचकर और अपने बैच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।